आदिवासियों के हिसाब से नहीं चल रहा है, हमें जिस तरह से शिक्षा मिलनी चाहिए। जेल तो सोनी छोड़ी गई, लेकिन वो बच्चे तो नहीं गए, पर उन बच्चों की शिक्षा को सरकार ने नहीं बचा पाया। वो बच्चा अपनी बंदूक अपने हाथ में रख के मुझसे सवाल करते हैं, मैडम जी आपने बोला था ना कि आपके हाथ में बंदूक नहीं कलम होगा, ये देखिए मेरे हाथ में बंदूक है, तो बताइए मुझे कैसा लगा। तो कभी कोई बच्चा मुझसे कहता है हमको जंगल जाने नहीं आता है, लकड़ी काटने नहीं आता है, हमको खेत नहीं करने नहीं आता। हमारे स्कूलों में बोला जाता है कि हर बच्चे का बर्थडे मनाना चाहिए। आप बताइए वो बच्चा का बाप नहीं है, माँ नहीं, अनाथ बच्चा है, उसके लिए कौन लेके जाएगा केक और कौन उसको। जोहार। तो अभी हमारे साथ है सोनी सोनी जी और हम लोग उनसे बात करेंगे। तो सबसे पहले आप लोगों को उनका बारे बताना चाहूंगा कि वो एक एक्टिविस्ट है और वो छत्तीसगढ़ बस्तर जिले से आती है। वो पहले एक आदिवासी स्कूल में टीचर थी और अभी वो पॉलिटिकल लीडर है, और बहुत लंबे समय से उनका आदिवासियों के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है उनके खिलाफ में उनका संघर्ष और आंदोलन है, और उनके ऊपर बहुत सारे सरकार के तरफ से बहुत ज्यादा प्रेशर और उनके ऊपर झूठे आरोपों के कारण उनको जेल में भी डाला गया, लेकिन उनका हिम्मत कभी टूटा नहीं, उनका आंदोलन हमेशा जारी रहा। और अभी के टाइम में वो पूरे आदिवासी समुदाय के लिए वो एक मिसाल है, और खासकर जो महिला वर्ग है उनके लिए एक सिंबल ऑफ स्ट्रेंथ भी है। और उनका लगातार आदिवासियों के साथ जुड़ के काम करने के लिए, जल जंगल जमीन के लिए संघर्ष करने के लिए उन्हें 2018 में फ्रंट लाइन डिफेंडर्स अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो चलिए हम लोग आज उनसे बात करते हैं ये फैक्ट्री स्कूल से संबंधित, और उनसे सीखते हैं और गहराई से। तो सोनी जी आपके लिए कुछ सवाल है मेरे लिए, आप पहले भी शिक्षक टीचर रह चुके हैं और आपकी खुद की अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस रही है, और उसी आपकी एक्सपीरियंस से हम लोग सीखना चाहते हैं बहुत कुछ। तो सबसे पहले हमें बताइए कि आप पहले तो शिक्षक थे और एक आश्रमशाला में आप शिक्षक के रूप में काम करते थे, जो आदिवासी स्कूल भी कहा जाता है, तो वहां पर आपका अनुभव कैसे रहा, और इस तरह की जो स्कूलें हैं उसके बारे में जो ये जो जो पूरी जो स्कूल शिक्षा की जो मॉडल है उसके बारे में उसकी आपकी क्या चिंताएं हैं वो हमें बताइए। देखिए मैं एक टीचर थी, और मेरे टीचर होने के बाद जो ने मुझे जो अनुभव मिला, जो आदिवासी की पूरी समुदाय बच्चे उस आश्रम में पढ़ते थे और रहते थे, तो मुझे ये लगता है कि मतलब जो मैं आश्रम चलाते हुए मैंने जो चीज देखा, पर शिक्षा तो बहुत महत्वपूर्ण चीज है, हर बच्चे को हर लोगों को शिक्षा मिलनी चाहिए, लेकिन एक है कि अपने समुदाय के हिसाब से वो शिक्षा होना चाहिए। जैसे हम एक आश्रम चलाते थे तो आश्रम ये प्रक्रिया थी कि जो डाइट देना होता था या जो होता था जो भी अनुशासन होती थी तो एक सरकार और रूल्स बना के हमको दिया जाता था, तो उसको हम पालन करते थे कि बच्चे को क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, जो सरकार की मेनू के हिसाब से चलता था। तो उससे मुझे ये लगता था जब मेरे अपने बच्चे कहते थे कि मैडम हम लोग हर दिन यही चीज खा रहे हैं, इसकी जगह कोई परिवर्तन क्यों नहीं हो सकता, तो मुझे भी लगता था। मैं अधिकारियों से बात करती थी कि भई ये गांव के बच्चे हैं, हमारे जल जंगल जमीन से जुड़े हुए बच्चे हैं, और उस चीज के लिए ये खाने पीने की बातें करते हैं, जैसे हर सोमवार है मंगलवार है, जैसा दाल है पनीर है, इस तरह की सब्जी छोड़ के अन्य भी चीजें खाना चाहते हैं, तो वो ये कहते थे नहीं ये अलाउ नहीं किया जा सकता, नहीं हो सकता। तो मैं क्या करती थी कि बच्चे का जो चीजों में खुद एक आदिवासी थी तो मेरे को खुद उस हिसाब का मैं डाइट देती थी, और ऐसा मतलब उन बच्चों के साथ, और उन बच्चों को अपनापन दे के वो हक और अधिकार को बारे में बताना ये बहुत ही जरूरी रहा। और जब मैं आश्रम चलाते हुए मैं जब जेल गई, लेकिन जेल जाने के बाद जो बच्चे जो ऐसे थे कि जो सलवा जुड़म से अनाथ बच्चे थे, कई बच्चे उस जगह पर पढ़ते थे, और वो बच्चे जब मैं जेल जाने के बाद वो बच्चे वहां से निकल के चले गए गांव, तो तब मुझे इस बात की बहुत दुख हुआ कि इन बच्चों के लिए सरकार जो इतना बड़ा स्कूल खोला, बोले जेल तो सोनी छोड़ी गई लेकिन वो बच्चे तो नहीं गए, पर उन बच्चों की शिक्षा को सरकार ने नहीं बचा पाया। जब मैं जेल से लौट के आई
आने के बाद मैं उस आश्रम में दोबारा जाती हूँ। जब मैं वहां रही हूँ तो 250 बच्चे थे, जब मैं जेल से लौट के आने के बाद वहां पर मात्र मुझे 40 बच्चे दिखे। तो मैंने पता किया कि सारे बच्चे गए कहाँ, तो बोले सब बच्चे अपने छोड़ छोड़ के अपने अपने घरों में, जो अनाथ बच्चे वो कहाँ गए। तो मैं उनकी तलाश भी करने लगी। और जब बाद में सबसे दुख इस बात का मुझे लगा, और ऐसे हॉस्टल खुलते हैं तो उनकी पूरी जिम्मेदारी घर को चलानी चाहिए जो नहीं चलाते हैं, लेकिन उसमें से कई बच्चे माओस्ट बन गए। वो जब माओवादी जब बने तो वही बच्चों को मैंने जब गांव छुटा के लाई थी तो ये कह के लाए थे आपको हक और अधिकार लड़ना सिखाएंगे, आपके हाथ में कलम होगा, कभी बंदूक नहीं होगा। लेकिन जब मेरे जेल जाने के बाद जब लौट के आई तो मैंने ऐसी आंदोलन करते हुए उस गांव में घुसी, तो उस दौरान मुझे ये पता चला वो मेरा स्टूडेंट, मेरा बच्चा जो मैं जिसको इस तरह बोल के लाई थी, वो बच्चा अपने बंदूक अपने हाथ में रख के मुझसे सवाल करते हैं, मैडम जी आपने बोला था ना कि आपके हाथ में बंदूक नहीं कलम होगा, ये देखिए मेरे हाथ में बंदूक है, तो बताइए मुझे कैसा लगा। तो ऐसे कैसे ऐसे, मतलब मैं एक टीचर बन के बच्चे का ये सब चेहरा बहुत कुछ मैंने जाना कि ऐसे शिक्षा नहीं होना चाहिए। तो शिक्षा वो हो कि उन बच्चों के लिए अपनापन हर कोई दे, और उनको बहुत जरूरी है ऐसा एक शिक्षित होना और शिक्षा देना। तो वो शिक्षा यहाँ के समुदाय को उन बच्चों को नहीं हुआ दिया गया, जो वो बिकर के आज बहुत कुछ ऐसे बच्चे हैं जो माओवादी बन गए। तो इसका क्या करें, ऐसा शिक्षा तो नहीं होनी चाहिए। मतलब ये जो पूरी जो सिस्टम है उसके हम लोग शिकार हो रहे हैं, मतलब बड़े ऊंचे पद में जो लोग हैं उनका बनाया हुआ सिस्टम का ही हम लोग विक्टिम बन रहे हैं, और जो पूरा कंट्रोल है उनके ऊपर है, आदिवासियों के हिसाब से नहीं चल रहा है हमें जिस तरह से शिक्षा मिलनी चाहिए। हमको जबरदस्त वेस्ट टाइप का शिक्षा दिया जा रहा है। मैं चाहती हूँ कि ऐसा शिक्षा ना हो, जैसे हम अपना खुद का अनुभव बनता है, हम जैसे पढ़ने चले गए हम भी एक हॉस्टल में रह के पढ़े, पर उस समय हमने जो शिक्षा लिया है जहां से भी, जैसे माता रुक्मणी आदिवासी करके कन्या आश्रम डिमरा पाल कर, उसमें हमको मतलब हर क्लास बाई क्लास पढ़ाया जाता था, लेकिन हमको ये बता दिया गया था कि आपको घर जाने के बाद अपनी खेती करनी चाहिए, अपने खेतों में काम करना चाहिए, अपने माता पिता के साथ सहयोग देना चाहिए। ऐसा नहीं है आज की डेट में। जैसे मैं ये कहना चाहती हूँ, जैसे मैं कई बार NMDC ने कई ऐसे यहाँ पे हमारे बस्तर में एक से एक स्कूल बना के दिया, पूरी पैसे लगा देने से और उसको बेहतरीन बनाने से शिक्षा उसमें बहुत अच्छा हो रहा, ये संभव नहीं है। जैसे जंगा में है NMDC ने इतने अच्छा स्कूल के रूप में पूरे देश विदेश में ये नाम है, लेकिन मैं कहती हूँ कि जब वो ऐसे जगह में बच्चा पढ़ता है और जब छुट्टियों में वो घर चला जाता है, घर जाने के बाद कई बार उनके गाँव में मैं उन बच्चों से मेरी मुलाकात होती है, तो वो बच्चा घर के अंदर ये कहते हैं कि मैं उनसे सवाल करती हूँ कि आप लोग यहाँ घर में तो आपके माता पिता कहाँ हैं। तो कभी कोई बच्चा मुझसे कहता है कि नहीं हमारे पिता तो खेत गए हैं, हमारी माँ तो जंगल गई है लकड़ी लाने, तो आप क्यों नहीं गए बेटा। नहीं हमको नहीं आता, हमको जंगल जाने नहीं आता है, लकड़ी काटने नहीं आता, आप क्यों नहीं अपने पिता का साथ क्यों नहीं दिए, हमको खेत में हल चलाने नहीं आता, हमको खेत में करने नहीं आता। तो मुझे बहुत दुख होता है, ये कैसा शिक्षा है। ठीक है अगर खाली किताब पढ़ने से या किताब में सब कुछ मतलब ज्ञान प्राप्त करने से नहीं होगा, कि जो हमारा मूल अधिकार है उसको भी शिक्षा से जोड़ा जाना चाहिए, ताकि ये ना हो कि कल उस बच्चे को नौकरी मिले या ना मिले, लेकिन वो ऐसा शिक्षा हो उस शिक्षा के आधार पे वो गांव में भी जा रह के अपनी जल जंगल जमीन और अपने माता पिता और अपने कल्चर अपना संस्कृति को कैसे वो फॉलो करके आगे वो बढ़ सके, ये बहुत जरूरी है। फिर अगर ऐसा शिक्षा किस काम के कि अपने समुदाय से अलग किया जा रहा है और अपने समुदाय से अपने जल जंगल से अलग किया जा रहा है, तो ऐसा शिक्षा का कोई महत्व मुझे नहीं दिखता। तो इसलिए मैं बार बार इस बात को हमारे जो बस्तर की शिक्षा पे आवाज उठाने की बहुत कोशिश करते हैं। अभी जैसे मैं खुद भी कई ऐसे मामले होते हैं नक्सल के नाम से कई बच्चों के माता पिता को या पिता को मार देता है, तो ऐसे भी अनाथ बच्चे मेरे नजर में है जिनको मैंने हॉस्टल में डाल रखा है, तो वहां पर ऐसे स्कूल चला रहे हैं, वो बच्चा मुझे बोलता है कि नहीं मैडम जी मेरा बर्थडे है आप केक ला दीजिए। तो मैं बोलती हूँ कि मैं केक नहीं ला सकती, ये केक काटे की इतनी जरूरत क्या है। नहीं हमारे स्कूलों में बोला जाता है कि हर बच्चे का बर्थडे मनाना चाहिए, आप बताइए वो बच्चा का बाप नहीं है माँ नहीं अनाथ बच्चा है उसके लिए कौन लेके जाएगा केक और कौन उसको। तो ऐसे शिक्षा उस शिक्षा से क्यों जोड़ा जा रहा है,
नहीं जोड़ना चाहिए। अब इसको बोलते हैं अगर हम विरोध करते हैं तो गलत हो जाता है। तो मैं तो बार बार यही कह रहे हैं, हमारे आदिवासी बच्चों की शिक्षा के लिए हमको बहुत कुछ करने की जरूरत है। और आज की जो शिक्षा को लेके मैं खुद बहुत चिंतित हूँ, क्योंकि ये हमारे जो शिक्षा जो दिया जा रहा है बहुत कुछ अलग है। जो आज के बच्चे ना अपनी भाषा बोलना नहीं चाहते, पहना ओढ़ाव को लेके शर्मिंदगी महसूस करते हैं, तो ऐसे शिक्षा तो नहीं होना चाहिए। बिल्कुल सही कहा आपने, बहुत अच्छी बात कही। और मैं तो स्वीकार करता हूँ कि मैं भी जिस तरह से जिस जैसे स्कूल में पढ़ा हूँ और मेरे मन में भी वो सारी चीज़ें आई है, जैसे कि बर्थडे मनाना स्कूलों में बहुत सारे बच्चे लोग मनाते थे, और मतलब कि स्कूल पे टीचर्स बोलते थे कि चॉकलेट बांटना है बच्चों को, सेलिब्रेशन करना है। और तो मतलब कि लगातार हम लोग बर्थडे में, जो कि हमारा कल्चर पे नहीं है वो, मतलब मैं सम्मान करता हूँ कि बाकी लोग उसे मनाते हैं, लेकिन वो हमारा हिस्सा नहीं है। और दूसरी बात ये है कि कुछ कुछ ऐसे भी जो लोग पलायन करते हैं गांव से, मैंने ऐसे सुना है कि एक बार ऐसे ही मम्मी पापा से ही सुना है, मेरे माता पिता से, कि वो लोग एक परिवार में गए थे जो कि टाउन में रहते हैं, हो समुदाय से ही। जब बात कर रहे थे वो लोग, जो घर में जो माँ थी, जो आंटी थी, वो बोली मेरी मम्मी को कि हम लोग का जो बेटा है वो दिकू बात करता है, वो बात नहीं करता है, तो आप लोग प्लीज़ उससे हिंदी में ही बात कीजिए। और पूरा मुस्कुरा रही है, मतलब मुस्कुरा ऐसे रही है कि उनको गर्व महसूस हो रहा है कि वो आदिवासी भाषा भूल गए हैं। तो मुझे ऐसे लगता है कि एक तो है कि हमारी जो आइडेंटिटी है, हम लोग जहाँ जब माइग्रेट करते हैं, आदिवासी पलायन करते हैं शहरों पे जहाँ पर मेजोरिटी होती है नॉन आदिवासियों की, उस बीच में और स्कूल में जैसे कि इंग्लिश भाषा को प्रमोट किया जाता है, अभी हम लोग दुर्भाग्य से हम लोग ऐसे आदि हो गए हैं हिंदी भाषा में कि अभी हम लोग हिंदी में ही बात कर रहे हैं, जबकि हमें आदिवासी भाषा में ही बात करना चाहिए। जैसे कि मैं बात करता हूँ, आपकी भाषा है, हमें तो अपनी भाषा में ही बात करनी चाहिए, लेकिन अभी हम लोग ये भाषा सबसे घिरे हुए हैं और डे टू डे लाइफ में हम लोग अपनी भाषा को उस तरह से इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं, पढ़ाई लिखाई नहीं कर पा रहे हैं अपने भाषा में। तो वो है कि जो लोग पलायन कर गए हैं उनका में ये आ गया है कि आदिवासी भाषा भूलना है, अभी उसकी वो इज्जत नहीं है। मतलब आप शहरों में उसकी इज्जत नहीं है, आप अंग्रेजी में बात करोगे। मुझे एक बहुत पहले एक फ्रेंड ने भी कहा था जो NRI है, उन्होंने कहा कि आशीष आप हिंदी इंग्लिश बात करो, आप इंग्लिश बात करोगे तो लोग आपसे डरेंगे, उस तरह का सीख मुझे दिया गया था। तो जो कि बिल्कुल गलत है, मतलब कि जो ऊंचे वर्ग के लोग हैं वो उस तरह की बात हमें कहते हैं, कहीं ना कहीं हम ये तो लोग आप खुद शिकार हुए हैं। जी आपके लिए और एक सवाल है, आप हमें ये बताइए कि अपने आदिवासी समुदाय में शिक्षा की जो प्रणालियां हैं उसके बारे में आप हमें बताइए, और ये भी बताइए कि इन शिक्षाओं को कैसे मजबूत किया जा सकता है। देखिए, ये जो शिक्षा है ये मजबूत हो सकती है। हम तो ये कह रहे हैं जैसे बस्तर के बारे में ना, तो अगर सरकार गवर्नमेंट इस तरह के स्कूल अगर बना रही है, चला भी रहे हैं, जैसे कोटा के जी ने और जगह में आसरा में, जिसमें कई मतलब हजारों की संख्या में बच्चे एक तरह तरह एकजुट होकर उस आश्रम में रहते हैं, लेकिन उनकी जब किताब की पढ़ाई के साथ साथ भी वो एक ऐसा पाठ भी रखा जाए जो अपने समुदाय के बारे में, अपने समुदाय के कल्चर के बारे में और अपना समुदाय की जो कल्चर है, जो उनकी जो वो है उसके बारे में भी कुछ रखे। और अगर ये पाठ नहीं रखेंगे तो हमारे बच्चे का क्या होगा, भविष्य क्या होगा? वो कार्य अपने आप को कहीं शहर की दुनिया की ओर बढ़ेंगे, तो फिर आप ये बताइए कि आज जो कुछ हो रहा है देश में, इतना बर्बादी जो हो रहा है, जल जंगल जमीन की जो हमारे पूर्वज कैसे बचाता है, अब उससे प्रेम होना चाहिए, वो बच्चा को जंगल से मोह माया होना चाहिए, उसका लगाव होना चाहिए, उसकी हर पेड़ों से लगाव होना चाहिए, उनका अपने कल्चर से लगाव होना चाहिए और अपने त्योहार से होना चाहिए। तो ये सारी चीजें नहीं हो रहा है, तो वो इसलिए कि यार जो शिक्षा दिया जा रहा है उसको बिल्कुल अपने समुदाय से पूरे मतलब उसको दूर रखा जा रहा है। तो उसको अगर हम सब मिलके
अगर हम सब मिलकर ये सोचा जाए कि हम अपने समुदाय के लिए कैसे शिक्षा लाना जरूरी है, वो हो सकता है, कोई बड़ी बात तो नहीं है, पर हमको लड़ना पड़ेगा। तो अगर इस तरह की शिक्षा अगर हमारे लोगों में आई तो हर तरह से वो संघर्ष करने में हमेशा सक्षम रहेंगे, वो कभी लाचार भी नहीं होंगे। मुझे लगता जैसे मान लीजिए आज मैं खुद हूँ, मैंने तो एक ऐसा शिक्षा पाया था ना, आज तो मेरे पास कुछ भी नहीं है। सरकार को, सरकार के खिलाफ जो भी किया हमने, क्योंकि उस सरकार ने हमारे साथ इतना गलत किया, उसके खिलाफ हम खड़े हो गए और आज उसकी नतीजा ये हो गया कि आज भी हमारे पर नौकरी नहीं है, हम बेरोजगार हो गए हैं, हमारी नौकरी छीना गई, सब कुछ खत्म है, फिर भी हम शिक्षा के माध्यम से अपने हक और अधिकार को लड़ना जानते हैं। तो आज किसी ने हमको घुटने, मतलब अपनी घुटना नहीं टिका पाए, सर को नहीं झुका पाए, हम आज भी अपने आप को आदिवासी कह के हम लड़ने के लिए आगे हैं। बोले सरकार एक तरफ है, हम एक तरफ है, लेकिन लड़ रहे हैं। तो मैं चाहती हूँ हमारे आदिवासी समुदाय को ऐसी शिक्षा, हर नौजवान को, हर बच्चे को जरूरत है, और ऐसा अगर हम शिक्षा देने में कामयाब हुए तो आज हम कभी भी नीचे नहीं झुकेंगे, मुझे लगता है। तो इसके लिए हम लोगों को लड़ना पड़ेगा जैसा भी करके इनको, तो वो हो सकता है। लेकिन यहाँ पर जो बस्तर में जो शिक्षा चल रही है वो तो बहुत ही अलग है, और ऐसे बस्तर की बात नहीं, हर जगह होगा कि आदिवासी के साथ कितना ये जो शिक्षा के नाम पे कितना गलत हो रहा है, कितना शोषण हो रहा है, कितने प्रताड़ित होते हैं हमारे बच्चे। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत जरूरी है। जैसे कि ये भी बोला जाता है कि हमारा जो जंगल की जो ज्ञान है वो भी बहुत जरूरी है। जैसे कि जो भी साथी आप लोग देख रहे हैं, जैसे बोला जाता है कि जंगल में आप कभी जाएंगे तो आपको प्यास अगर लगता है, आपको लगती है, तो आप पानी, अगर कहीं पानी नहीं है तो आप कैसे पिएंगे, आपकी प्यास कैसे बुझेगी। तो बोला जाता है जो सखुआ पेड़ है, जो साल की जो पेड़ है, उसको उसमें बहुत ज्यादा पानी रहता है। तो लोग क्या करते हैं, अगर आपके पास बोतल है या पत्ता, आप उसको बना सकते हैं ग्लास जैसे, और एक पेड़ में काटा जाता है थोड़ा सा, तो आप उसमें देखते हैं कि वो पूरा जो सखुआ पेड़ से बहुत ज्यादा पानी, पानी की मात्रा बहुत रहती है, और उससे वो पूरा आप बोतल भर सकते हैं। पूरा पेड़ को काटना नहीं है, थोड़ा सा आप काटिएगा तो वहां से बहुत ज्यादा पानी निकलेगा और वो पानी आप पी सकते हैं। इस तरह की जो जानकारी है बहुत इंपॉर्टेंट है आदिवासी समुदाय में, जो जो कि जिसकी वैल्यू शहर के लोग नहीं करते हैं, हमारा ये पूरा शिक्षा जो की जो मॉडल है वो नहीं करता है। और भी बहुत सारी जानकारियां हैं सोनी जी। लेकिन ऐसा आज आदि होता नहीं है, हमारे बच्चों के साथ बहुत गलत हो रहा है। तो अभी तो जितने हैं बिल्कुल कि मतलब यह जितने के आश्रम में चलाए जा रही है, तो बिल्कुल एक किताब की एक उसकी पढ़ाई, और सरकार ने जो तोप रहे हैं बस उसके अनुशासन के साथ ऐसा चलाओ ये चलाओ। लेकिन बहुत दुख होता, मैं हर स्कूलों में और हर हॉस्टलों में जब जाती हूँ और देखती हूँ तो मुझे खुद को इतना तकलीफ होती है, ये किस और हमारे समुदाय के बच्चों को और किस तरह की शिक्षा दी जा रही है। ये बात आज एक समुदाय की भी बात नहीं है, पर ये हर किसी के लिए मुझे लगता है कि अगर शिक्षा वो दो जो हम कैसे हमारे आने वाले कल को बचा सके। आपने बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट्स आपने बताया, और इससे जो हमारे जो आज के नौजवान जो भी देख रहे हैं, आपसे बहुत कुछ सीखे हैं, लेकिन हमारे पास समय की कमी है। हम लोग चाहेंगे कि आपसे और बात करें किसी दिन सेपरेटली, आपके साथ पूरा फुल सेशन होना चाहिए हमारा। आदिवासी लाइफ मैटर में आप हमारे इस सेशन में आए, आदिवासी लाइफ मैटर आपको धन्यवाद देना चाहता है, हमें बहुत अच्छा लगा। आज हम लोग अभी इतने यहीं पे समाप्त करते हैं, और हम लोग आपके साथ जरूर और जुड़ना चाहेंगे, और अभी टिक टिक पूरा काउंटडाउन भी शुरू हो गया शायद से। हाँ, तो जरूर आज हम लोग जरूर का कन्वर्सेशन बहुत अच्छा रहा, बहुत ही इम्पोर्टेंट रहा है। मैं भी खुद पर्सनली बहुत सीखा हूँ, और जो हमारे जो हाँ ऑडियंस है वो भी बहुत सारे सीखे। और आजकल आज खासकर हो समुदाय से मेरे जो फ्रेंड्स है बहुत कॉल कॉल कर रहे थे, वो लोग बहुत इंटरेस्टेड थे आज, हाँ स्पेशली आज का जो सेशन था। हाँ तो सर जोहार, आपको आदिवासी लाइफ मैटर के तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, और हम हाँ लोग आपके साथ और एक बार हम लोग जरूर से और एक सेशन करना चाहेंगे। जरूर जरूर, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, हम लोग ये पूरा सेशन को यही अंत करते हैं, और हमारा ये सेकंड एडिशन था, और हमारा संडे को इसका थर्ड एडिशन है। सभी को हमारे तरफ से जोहार।